नागपुर में संघ की प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। संघ के सह सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने साफ साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के गठबंधन की सरकार बनी है, ये प्रयोग पहली बार हुआ है, इसलिए सरकार को थोड़ा सा समय देना चाहिए। 3 दिवसीय बैठक इस वक्त चल रही है नागपुर में। जम्मू कश्मीर में अभी तक राष्ट्रवादी विचार के कोई एक दल इस स्थान पर आना आज तक संभव नहीं बना। ठीक है, देर आर फीडिंग प्रॉब्लम्स विच वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम आज फॉर क्रिश्चन। पहले दिन से ही कुछ प्रॉब्लम्स तो आए हैं, नहीं आए ऐसे मैंने कहता है, पहले ही उत्तर दे दिया। तो इसलिए समस्या है, इसलिए चलाना ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं है। राष्ट्रवादी ताकतों के कश्मीर जैसे, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में सत्ता पर रहकर कुछ चीजों को ठीक करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। ऐसे एक संदेश देश के अंदर, देश के बाहर, पड़ोसी देशों में जाना चाहिए। इसलिए इस विषय का प्रयोग करने के लिए हमें थोड़ा मौका देना चाहिए। यदि सफल होता असफल होता है वो राजनीतिक क्षेत्र के उठा पटक में है और वहां के व्यवहार में है, वो करें, हम शुभकामनाएं देते हैं। और इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बीजेपी पीडीपी गठबंधन को लेकर तो कहा है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए दत्तात्रेय होसबोले ने, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस बैठक में मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को लेकर क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए तानिया, बैठक भले ही नागपुर में हो रही हो लेकिन नजर दिल्ली पर है और दिल्ली में बैठी बीजेपी की सरकार की नजर नागपुर पर। तो आज दत्तात्रेय होसबोले ने जब संवाददाता सम्मेलन में तमाम प्रश्नों के जवाब दे रहे थे तो उसमें सबसे बड़ी राहत की खबर नरेंद्र मोदी के लिए है, जिसमें वो खुले तौर पर उन्होंने सरकार सही दिशा में जा रही है ऐसा संघ मानता है कहा है, जो कि एक ऑक्सीजन के रूप में बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाने वाला है। दत्तात्रेय होसबोले के ये बयान मोदी को, मोदी सरकार को, अमित शाह को बहुत बड़ी राहत देंगे। और जहां तक बात की जाए कश्मीर को लेकर, बीजेपी पीडीपी गठबंधन को लेकर जो उन्होंने कहा है उसमें ये साफ दिखाई देता है कि आप प्रयोग कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 370 पर कोई भी समझौता संघ को मंजूर नहीं होगा। तो ये दो अहम खबरें हैं जो अभी आज सवेरे सवेरे 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में निकलकर आई है। उसका एक ही लाइन का लबो लुबाव है तानिया, मिले सुर में रात तुम्हारा, संघ भी वही बात कर रहा है जो बीजेपी करती आ रही। चलिए मनीष, धन्यवाद इस तमाम जानकारी।